चांदनी तो चली गई, फिर सहमा और फूफी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई है? इन्हें ठीक करने के लिए मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बताइए? लाल चांद का टुकड़ा। चांद का टुकड़ा? लेकिन वो तो आप है ना, जब आप यहाँ खड़ी हैं तो हम चांद का टुकड़ा कहाँ से लेके आएंगे? और लाल चांद तो तोड़ दिया तुम लोगों ने, कहाँ से मिलेगा उसका टुकड़ा? एक रास्ता है, लाल चांद भले ही टूट गया लेकिन वो चांद तो अब भी है। पहले तो आप लैला जी हमें एक बात बताइए कि आप क्या सोच रही हैं कि हम नील आर्मस्ट्रांग हैं जो वहां जाकर के वो चांद का तोड़ा यहाँ पे लेके आ जाएंगे? इमरान, हम इस चांद तक पहुंचेंगे कैसे? आसमान तक तो इश्क पहुंचाता है और चांद तक पहुंचाती है मीनारे इश्क। ठीक है, तो मैं वो चांद का टुकड़ा लाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं अमन, जिन्नात और चांद की बहुत पुरानी दुश्मनी है, तुम वहां जाकर चांद का टुकड़ा नहीं ला सकते, ये काम सिर्फ अयाना कर सकती है। सुनिए, मुझे एक सेकंड आपसे अकेले बात करनी है। अयाना इज बेस्ट मिस्टर खान, बहस का वक्त बिल्कुल भी नहीं। ताबीजी ने कहा कि चांदनी बुरी, यानी लैला पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं जाके चांद का टुकड़ा लेकर आती हूँ। पर रोशनी, पर का वक्त नहीं है। आप ऐसे भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी मुझे दोबारा नहीं देंगे, तो इससे बेटर यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहिए और मेरी अम्मी को, अपनी फैमिली को, सबको प्रोटेक्ट कीजिए और मैं जाके चांद का टुकड़ा लेकर आती हूँ। रुके, मैं आपके साथ खाली जंगल में नहीं जा सकती, फिर मेरे क्लिप्स जाएंगे। ठीक है, बाजीगर आपके साथ जाएगा। पर रोशनी, आप ही ने कहा है कि बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त है नहीं। बाजीगर जाइए। मैंने तय कर लिया, मैं जाती हूँ। होशियार रहना, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। लैला, वो मुझे पूछना था कि चांदनी के कोई बच्चे भी हैं क्या? नहीं, क्यों? तो फिर चांदनी ने मुझसे बच्चों का ख्याल रखने के लिए क्यों कहा? बच्चों का ख्याल रखना, हमदर्दी पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती, कुछ भी बोल सकती, कितना भी बड़ा झूठ, कितनी भी बड़ी कहानी, लेकिन तुम इस सब में मत पड़ो। जल्दी जाओ और चांद का टुकड़ा लेकर आओ। मेरे पास तो बाजीगर भी नहीं है, मैं कैसे रुकूं? हम क्या करें अमन? जब तक अयाना लौट कर नहीं आ जाती, मैं इन दोनों को पूरी तरह से डूबने से बचाने की कोशिश करती। प्लीज। लेकिन उसके लिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से चांद दिखाई देता। हाँ, ऊपर वाले कमरे से चांद दिखता है। ठीक है।
मुझे लगता है लैला ने अभी तक कोई एटीट्यूड बनाई नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जाके अम्मी के पास रहिए। ठीक है अमन। जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। अयाना मीनार पर है। खुश आमदीद अयाना। मुझे अंदर जाना है। कितना होमवर्क बाकी है? मम्मी, 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 बीजी जहरा बन गए। जहराल कबीर के इशारों पर चलते हैं। तबीजी जहराल बन गई, मतलब वो कबीर के कंट्रोल में है। मतलब उन्होंने चांदनी के बारे में झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लैला पर नहीं चांदनी पर भरोसा करना चाहिए था? फैमिली को बचाना है तो इस चांद के टुकड़े को लैला के पास लेके जाना होगा। फरा, फरा, हमें कुछ भी कर ताबीजी को बचाना है। उनके सामान में एक जामुनी कलर का पाउडर है, उसे ढूंढो। कुछ भी करके वो पाउडर बाहर निकालो, सिर्फ वही एक चीज है जो ताबीजी को बचा सकती है। मैं ट्राई कर रही हूँ भैया। लैला को इस कमरे में आते हुए तो देखा। लेकिन जाते हुए नहीं देखा। लैला कहाँ गई? फरा, तुम जल्दी से वो पाउडर ढूंढो और ताबीजी को ठीक करो प्लीज, मुझे उनकी जरूरत है। जल्दी 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 फरा, जल्दी, फास्ट, कम ऑन।
ठीक हो ना? ठीक हो भाई? अम्मी को होश आ गया। ताबी जी को फोन दो। अम्मी भाई। हेलो अमन, सब ठीक तो है ना? अमन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। ताबी जी आपने हमें कॉल किया था, याद कीजिए आप, आपने क्यों कॉल किया था, क्या बताना चाह रही थी आप? कॉल किया था मैंने, मैंने जरूर ये बताने के लिए फोन किया होगा कि लैला की एक जुड़वा बहन भी है चांदनी, जो ला चांद की मलिका है, और तुम्हें लैला पर नहीं चांदनी पर यकीन करना है। लैला तुम्हारी दुश्मन है और वही ये सब करवा रही है। इमेजिन में भी यही लिखा था कि लैला चांदनी से पहले पैदा हुई थी, पर क्योंकि उसकी फितरत में बुराई थी, अंधेरा था, इसीलिए उसे हमेशा सोने की सजा मिल गई थी। और अब लैला जा गई है और वो चांदनी को हटाकर खुद लाल चांद की मलिका बनना चाहती है। तुम लोग सब ठीक तो हो ना? अभी से हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चांदनी पे नहीं लैला पे भरोसा कर दिया, और लैला ने रोशनी को मीनारे इश्क पे लाल चांद का टुकड़ा लेने के लिए भेज दिया है। अभी क्या करना है? अमन आज चांद ग्रहण है। रोशनी नहीं जानती कि आज चांद पे ग्रहण लगने वाला है। वो जैसे ही चांद पर पहुंचेगी ग्रहण शुरू हो जाएगा। और उस ग्रहण लगे हुए चांद को छूते ही कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हमें वो सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं, और मेरी मंजिल मेरी मुट्ठी में होगी। तो अगर चांद पे ग्रहण है तो लैला ने रोशनी को वहां पर क्यों भेजा, उससे क्या होगा? इसे अयाना को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अयाना को एक ही सूरत में फर्क पड़ेगा, अगर वो अगर क्या? अगर अयाना मां बनने वाली हो। बच्चों का ख्याल रखना। मतलब चांदनी रोशनी को फोन कर रही थी कि बच्चों का ख्याल रखना, मतलब रोशनी प्रेग्नेंट है? रोशनी प्रेग्नेंट अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? इन्हें ठीक करने के लिए मुझे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए बताइए? चांद का टुकड़ा। ये काम सिर्फ अयाना कर सकती है। इससे पहले ये चांद पूरा ब्लैक हो जाए मुझे ब्राइट वाले हिस्से को लेके जाना पड़ेगा। एक जुड़वा बहन भी है चांदनी, जो लाल चांद की मलिका है, और तुम्हें लैला पर नहीं चांदनी पर यकीन करना है। लैला तुम्हारी दुश्मन है और वही ये सब करवा रही है। ये काम सिर्फ अयाना कर सकती है। अयाना को एक ही सूरत में फर्क पड़ेगा, अगर वो अगर अयाना मां बनने वाली हो। बच्चों का ख्याल रखना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।